हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक टॉकली ब्लॉग। और हम दिखा रहे हैं आपको डिफ़िकल्ट ट्रैक रूट फ्रॉम द्वाली टू खटिया, काफनी ग्लेशियर ट्रैक रूट का, तो उसी का ये बनता है आपके लिए पार्ट टू। तो इसमें ना पहला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, तो एक पार्ट में पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए किसको पार्ट टू में लेके आते हैं। और जो पार्ट टू था उसने बुरी तरह से हताश कर दिया हमको। लैंडस्लाइड वाली जो एरिया है ना, अब ये यहाँ से शुरू हो चुकी है, तो ये मेरे आगे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अभी ये यदि द्वाली से चलते हो तो ये एंड पॉइंट है, और खटिया से यदि आप नीचे को आ रहे हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से ऊपर में ना पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा डर है ये ऊपर से। तो अभी हम थोड़ा बहुत दिखाते हैं, पर जो रास्ता है वो कुछ इस तरह का है, इसमें बोल्डर भी है, स्लाइड भी है, और नीचे से काफ़ी रिवर भी है। तो इसलिए यहाँ पर चलने के लिए ना आपको अपने सारे सिक्स सेंस खोल के चलने पड़ेंगे। आपको स्पीड भी रखनी है, और उसके साथ साथ स्पीड के साथ साथ आपको ध्यान भी रखना है कि आपका पांव कहीं ना फिसले, और पत्थर भी देखने हैं ऊपर से कि कहीं पत्थर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। तो देखो ये सारे जो पत्थर जमा हो रखे हैं ना, ये सारे ऊपर से आए हुए हैं, ये ऊपर से। अभी तो थोड़ा सा मौसम ठीक है, बारिश नहीं है, तो हम आसानी से इसको क्रॉस कर सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे थोड़ी बारिश होगी ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और पत्थर ऐसे रखे हैं ना कि थोड़ा सा हिला दें उनको तो वो अपने साथ पूरा ही स्लाइड बना के ले चलेगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए चलना है हमको। तो ये तो है अभी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में ही इस तरह का हाल है। तो आगे जब बीच में पहुंचेंगे तो वहाँ पर तो हमको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यार नीचे से चले, नदी के किनारे किनारे चलते हैं, हाँ, क्योंकि ऊपर को थोड़ा ढलान ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए हम कोशिश कर। तो इस तरह से हम चलते हैं अब यहाँ पे नदी के एकदम किनारे से, ताकि थोड़ा सा तो सीधा रहे हमारा। तो हम यहाँ से ऊपर को चलेंगे ना, ये ढलान टाइप का है, तो उसमें पत्थर के गिरने का डर है, हमारे पाँव से फिसल सकता है, तो इसलिए हम आराम से, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नदी के किनारे किनारे चलने के, जहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो वो देख लेंगे, नहीं तो फिर हम उसी के सहारे चलें। और यदि आप आते हो तो आप भी कफनी नदी के एकदम किनारे किनारे चलें, बहुत ऊपर जाने, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे ना बोल्डर लग चुका है। हाँ इधर से ही निकल लें, देख के चलना। हाँ ऊपर नदी ना बोल्डर पे थोड़ा सा अटकी हुई है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम सोच रहे थे एकदम नदी के किनारे। इस तरह से मेरा सजेशन है, यदि आप काफनी ग्लेशियर जा रहे हैं, द्वाली से पहुँच जाएंगे हम, और फिलहाल जो वाली एरिया है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इतना नहीं है पर इससे कम भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो वाली एरिया भी बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे भी स्लाइड हुआ है और स्लाइड के जस्ट ऊपर से आपको जाना होगा वहाँ के लिए, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन पूरी इस ट्रैक रूट की मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ताकि आप ट्रैक करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप यहीं से एंटर करोगे इस लैंड स्लाइड में प्रवेश करने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं लैंड स्लाइड से, तो हमारा सामना हो चुका है एक बार फिर से झाड़ियों से, जो बड़ी बड़ी घास है ना, तो उनसे हमारा सामना हो चुका। हाँ, तो देख रहे हैं आप फिर से झाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही हमने लैंड स्लाइड क्रॉस किया ना, फिर एक बार बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में से गुजरना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जब ट्रैक रूट ऑलरेडी बंद है लैंड स्लाइड की वजह से, तो रास्ते की सफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी तरह का एडवेंचर होगा आपके सामने भी यदि आप ट्रैक का प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ। एक और इस तरह का मशरूम भी है यहाँ पे, पता नहीं कितना अच्छा है यार, मस्त लग रहा है बॉल की तरह। कुछ जाएगा वहाँ से भाई, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ इसी रोड पे, तो यहाँ से ऊपर को हम जैसे ही जाएंगे तो फिर एक दो जगह पर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि जो ट्रैक रूट था ये एकदम बीच में से टूट चुका है, तो इसलिए जितने भी झाड़ियाँ हैं उनको मजबूत, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो लैंडस्लाइड वाली एरिया है ना, उससे डिफ़िकल्ट भी नहीं है तो आसान भी नहीं है। बहुत भयंकर वाला है ये भी, इसको भी हम इतने हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को। आ गया, जैसे इसको हम क्रॉस कर लेंगे ना तो उसके बाद ठीक है। इसको पकड़ोगे थोड़ा सा, मैं करता हूँ, डीप नी सनशाइन, हाथ पकड़ो क्या आ जाओगे, पकड़ो एक मिनट उतना है। हाँ, तो इस तरह से आप देख ही रहे होंगे कितना खतरनाक है। हाँ, पूरी खाई है, पूरी खाई है कह रहा हूँ नीचे, वही तो पर दिक्कत होती है ना नीचे है। एक बार चंदन गिर गया था यहाँ से, पता है तेरे को, मेरा दोस्त गिर गया था यहाँ से नीचे चला गया और बचा दिया था हमने उसको। आ जाएगा,
इस वाली जड़ को पकड़, इस वाली को, हाँ ला स्टिक मेरे को दे तब भी। हाँ आजा आजा, कम ऑन यू कैन डू इट, गुड 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 गुड। चलो फाइनली इसको हमने, वो देख ऊपर से गया है बे, ओ तेरी। गाइस 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 हम तो फंस गए हैं बुरे, ये तो और चला गया है क्या यार, बहुत ज़्यादा ऊपर को चला गया है स्लाइड, वही लगता है मुझे भी। तब तो और भी ज़्यादा टॉप है, बहुत ज़्यादा। चलो ऊपर तक देखते हैं कैसा है, लग रहा है यार वही जड़ से ही चला गया है। हाँ यार तेरी, ये देखो गाइस रास्ता हमको इधर से पार निकालता था और फिर ऊपर को चला गया है। हाँ आज आज चले जाएंगे और ऊपर ले चलता है हमको काफ़ी दूर तक। आजा कम ऑन, यू कैन डू इट, शाबाश शाबाश, लेट्स डू। अरे शरीर को हल्का रख, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही चल रहा बंदे, सही चल रहा लड़के, सही चल रहा। क्या डंडा दे मेरे को, डंडे का भी भरोसा नहीं है तेरे को, तो किसी का भरोसा नहीं है, चल किसी पे तो भरोसा करके देख ले कब निकल जाए, किसी का तो भरोसा करके देख ले, क्या पता ऊपर वाला कृपा बरसा दे। चल निकल निकल घोड़े, किधर को क्या है, इसके क्रॉस करके निकलना है इसको। सवास, यू कैन डू इट, गॉड गॉड, बहुत बढ़िया जा रहा बंदे, बहुत सही है। हाँ तो दोस्तों इस तरह का एडवेंचर है यहाँ पे, काफ्सिंग ग्लेशियर का जो ट्रैक रूट है ना वो पूरी तरह से एडवेंचर और थ्रिल लेके आएगा आपके लिए। तो ये है यहाँ पर जो ये वाला जो लैंडस्लाइड है ना, ये उधर वाले से भी ज़्यादा टफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। अब तो सीधा चल, कहाँ जा रहा है, ओए कितना जा रहा है तू, इधर को चला। तो ये था यहाँ का सेकंड वाला नाला, अब इसके बीच में और कितना स्लाइड हो रखा है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हैं, हाँ वही तो कह रहा ना, अभी और कितना हो सकता है वो जाने के बाद। ऐसा लग रहा है कि पूरा मानसून अभी गया नहीं है, ऊपर से बारिश भी हुई है यहाँ पे। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं पूरी रास्ते में। कंदमूल फल कहाँ है, ख़त्म हो गए ना अब तो, हाँ सीजन चला गया है इसका। अरे यहाँ पे भी तो टूटा हुआ है ये, कहीं यहीं पे तो ख़त्म नहीं हो गया ये, नहीं थोड़ा ही टूटा है, इतना ही टूटा है पर ज़्यादा नहीं टूटा है यहाँ पे।
तो वहाँ से यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। जो घास है पूरी भरी है, इसमें ना कहीं भालू वगैरह मिल गया ना बहुत डर लग रहा है। ओह भालू, तो ऐसे जंगलों में ना भालू तो होता ही है, तो इसलिए डर लगता है सिर्फ भालू से, कहीं पकड़ के अटैक ना कर दे। बाकी तो चलो झाड़ियाँ वगैरह में तो हम निकल ही जाएं। बहुत बेकार और खा है, ऐसे में दिख भी नहीं रहा नीचे, और हमारे पास इसको ना काटने के लिए कुछ है भी नहीं, तो काटेंगे भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कितना टाइम हमारे पास भी नहीं है कि हम उसको काटते हुए चलें, तो बस चलो भीग चुके हैं पूरी तरह से, ग्वाली में जाते हैं। तो ग्वाली में जाने के बाद फिर थोड़ा सा आग सेकते हैं छोटे लालों के पास, और दिन के खाने की तैयारी करते हैं, दिन का खाना खाते हैं, फिर देखते हैं किस तरह का प्रोग्राम होता है आगे चलने का। तो फिलहाल जो यहाँ का रास्ता है ना, देख रहे हैं कितना भयंकर वाला हो रहा है। यहाँ पे एक भी चीज़ कम नहीं है, चाहे आप लैंडस्लाइड ले लो और क्या बारिश ले लो या फिर स्नोफॉल ले लो, उसके साथ साथ ये झाड़ियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं इस ट्रैक रूट। बात में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता है वहाँ के लिए, इस तरह से खटिया तक ही बहुत ज़्यादा खतरा है इस रास्ते में। अभी देखते हैं ऊपर को, ये वाला पॉइंट है ये स्टार्टिंग वाला, तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना वाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला। तो इसी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो ट्रैक रूट है ना बुरी तरह से तहस नहस है, बहुत बुरी तरह से हमारी हालत ख़राब हो गई है, बहुत बुरा हाल है। यही है स्टार्टिंग पॉइंट जब हम काफने के लिए ट्रैक शुरू करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप नीचे को देखोगे ना, तो पूरा लैंडस्लाइड ने पूरा दी, इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट ग्रेड में आता है ये अभी फ़िलहाल के लिए। और हम पहुँच चुके हैं अब द्वाली में, जो कि पॉइंट है, एक कैंप है जहाँ से पिंडारी और काफने के लिए दोनों जगह रास्ता करता है, तो वो वाला कैंप है। तो ये रहा ज्वाली में कुमा मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस, ये है ये वाला, ये दोनों सारे कुमा मंडल विकास निगम के हैं, और नीचे है PWD का। तो इसलिए ये था यहाँ का काफनी ग्लेशियर का ट्रैक। यहाँ पे कोई है नहीं अभी, तो इसलिए हम भी निकलते हैं नीचे को ही। तो ज़रूर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा ये ब्लॉग, खटिया से द्वाली तक का। तो अब हम सेफली पहुँच चुके हैं द्वाली में, बाकी अब आगे का जो प्रोग्राम है वो फिर यहाँ से लंच करने के बाद फिर देखते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखते रहें नोमैडिक टॉकली ब्लॉग। और यदि आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज है एडवेंचर ट्रैकर्स एंड एक्सप्लोरर यूके, उसे भी फॉलो करें, लाइक करें। और इंस्टा में है मेरा पेज ट्रैक एडिक्ट यूके 02, उसे भी फॉलो करें ताकि आपको बहुत सुंदर से सुंदर हाई माउंटेन के ब्लॉग मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।